बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी इर्तजा लगारी। 2 अक्टूबर 2023 तसबराबाद की लोकेशन, हम इस वक्त मौजूद हैं पहाड़ डेयरी फार्म पर और हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे भी डिटेल लेंगे। बछड़ियों का एक सुपर मरकज है, अगर आपको क्रॉस ब्रीड में, प्योर ब्रीड में बछड़ियाँ चाहिए, जिस तरह ये आपको बैकग्राउंड में भी नजर आ रही हैं और इंशाल्लाह आगे चलकर आपको वीडियो में भी दिखाते हैं, तो आपको इस इलाके से ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी की प्योर और क्रॉस ब्रीड में बछड़ियाँ कहीं से भी नहीं मिलेंगी। भाई हमारे साथ हैं, इनसे डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। असल भाई ठीक है, फिट फाट है, शुक्र अल्लाह। माशाल्लाह माल तो आपका मेरे हाल में काफी निकल गया आज। निकल गया अभी बस। और कहाँ जा रही है? चमन। चमन, चमन में। क्वेटा, क्वेटा। माशाल्लाह जी, बड़ा दूर का सफर है इनका तो फिर। और बकाया कितनी बचाई हुई है? 9-10 है। 9-10 तीन लाटे बन जाएंगे। तीन लाटे बनेंगे इंशाल्लाह। छोटी, दरमियानी, बड़ी या दरमियानी बड़ी? दरमियानी बड़ी। दरमियानी बड़ी, छोटी नहीं, छोटी नहीं, छोटी यार। नहीं। ले जी, वीडियो बड़ी स्पेशल है, रेडी टू इंसेमिनेट बछड़ियां आपको देखने को मिलेंगे। सालमीटर चेंज से चंद किलोमीटर के फासले पर तसबराबाद है, भलवाल से खुशाब लखमोर रोड के ऊपर। नासिर भाई का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, लेकिन एक दफा बोल के भी बता देते हैं। दोस्तों से गुजारिश है, जो नंबर नासिर भाई बताएं इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। नासिर भाई नंबर 0302-6012-912। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक नासिर साहब के डेयरी फार्म पर, प्रहार डेयरी फार्म पर जो बछड़ियों की आपको पहली लाट चेक कराई जा रही है, माशाल्लाह चेक करें। स्टार्ट ही हम लेते हैं इस खूबसूरत क्वालिटी की ब्रीड, जिसे कहते हैं माउंट बिलियन या मोब्लियड ब्रीड, और उसके साथ फिर ये ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन में, और ये जर्सी फ्रीजियन, और माशाल्लाह ये चेक करें। टोटल 4 बछड़ियां आपको इस लाट के अंदर चेक करवानी है। बछड़ियां बड़े साइज में हैं, रेडी टू इंसेमिनेट हैं, और आपको एक दफा चला फिरा कर जरा तसल्ली करवा देनी है। ये चेक कर ले माशाल्लाह। दोस्तों ये जो क्वालिटी है ना जी, रूटीन का माल नहीं है अपना। नासिर भाई, ये स्विस जर्सी आ जानी है या प्योर जर्सी है? स्विस जर्सी है। माशाल्लाह जी, आज फिर देख लें, आप दोस्तों के लिए तसल्लियां पूरी करानी है। बछड़ियां बड़े साइज में है, छोटा माल नहीं है, रेडी टू इंसेमिनेट बछड़ी है। ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन भी है, स्विस जर्सी भी है, और उसके साथ ये मोब्लियड ब्रीड भी, और फिर पीछे आपको ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन नजर आ रही है। मेहनत कर लें, थोड़ा सा टाइम लगा दें इन बछड़ियों के ऊपर, इनकी खुराक अच्छी कर लें, विटामिन मिनरल्स पूरे कर लें, इनको साइलेज खुला दें। जो भाई बछड़ियों का काम करना चाह रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि साइलेज का बंदोबस्त अपना पहले करके रखा करें। अगर साइलेज आपके पास है, और उसके साथ अगर आप लूसन की हे भी दे सकते हैं, और किनोला काश्त करें अपना, इनकी जो खुराक है, ये चीज़ें आपके जानवरों को एक अच्छी सेहत प्रोवाइड करती हैं। माशाल्लाह जी, चेक कर लें, टोटल 4 बछड़ियों की मुख्तसर सी लाट है, पहली लाट। कलर स्कीम खूबसूरत, प्रिंट माशाल्लाह शानदार, फेस ब्यूटियाँ, ये फेस ब्यूटियाँ माशाल्लाह आपके सामने हैं। बाकी हम नासिर भाई से डिटेल लेंगे, इनकी एज कितनी है, कितना टाइम इनको लगेगा इंसेमिनेट होने में। नासिर भाई कोई है नहीं, 12-13 महीने? थोड़ी बहुत फोन जी। दोस्तों फोन पर दोस्त फिर प्यार मोहब्बत लाजमन करवाते हैं। माशाल्लाह ये नस्लें आपको जो नजर आ रही है ना जी, बॉडी ग्रिप्स देख लें, जानवरों की अच्छी है, टॉप आपसी लाइन देख लें, बिल्कुल स्ट्रेट, दाने मुख्तसर से हैं, लेकिन चीजें अच्छी क्वालिटी कटी की हुई हैं। चलते हैं अगली खूबसूरत लाट की तरफ। दोस्तों वीडियो की दूसरे नंबर की लाट, लाट नंबर 2 आपके सामने। टोटल 3 बछड़ियां आपको इस लाट के अंदर हमने चेक करानी है। माशाल्लाह जी क्वालिटियां चेक कर लें, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन, रेड फ्रीजियन स्टाइल की। गुल्ले आपको इनकी बैक साइड से वैसे ही नजर आ रहे होंगे, क्योंकि बछड़ियों ने जब बैक साइड से, कोशिश तो हम करते हैं कि बछड़ियों को चला फिराकर इनके गुल्ले वगैरह दिखाए जाएं, लेकिन खुला हुआ जो जानवर है ना जी, उसको थोड़ा सा हिसाब किताब पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और ये अंकल जी थोड़ा जन चलाओ ना जी नाल नाल, ताकि दोस्तों को चलती फिरती जो बछड़ी है ना जी, उसका सही स्ट्रक्चर समझ आता है, उसका हिसाब किताब समझ आता है। ये जी जैनवन घोनिया मोनिया, कोई सिंग सिंग नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, तसल्ली कर लें। मैं भी फोकस करूंगा फेस के ऊपर, और इनका जो पुट्ठा है स्ट्रांग है, हाइट इनकी भी अच्छी है, और तकरीबन ये भी रेडी टू इंसेमिनेट हैं। 3 क्वालिटी की ब्रीडें आपके सामने हैं, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। अक्सर दोस्तों को ये शिकवा होता है जी कि जानवर जो है ना जी, वो उनके सींग नहीं होने चाहिए। दोस्तों इसका इशू कोई नहीं होता, डीबडिंग हो जाती है, आप चाहें तो इनके सींग कटवा सकते हैं, क्लिप लग जाता है, उसके अलावा वायर के जरिए भी काटे जा सकते हैं,
लेकिन अगर सींग रहे भी तो दूध की पैदावार पर सींगों का कोई असर नहीं होता। लेकिन आप डीबडिंग करवा सकते हैं, अवल तो बेहतर है कि शुरू में करवा दी जाए, लेकिन अगर शुरू में नहीं होती तो जब जानवर बड़ा हो जाता है फिर भी ये मसला हल हो जाता है। तीन क्वालिटी की ब्रीडें हैं और मेरे ख्याल में इनकी एज भी 12 से 13 महीने, आप दोस्तों को तकरीबन अपना नासिर भाई इतनी एज है, इतनी 12 टू 13 महीने एनजी हो गया। प्रिंट माशाल्लाह सोने, सारियां जेन्युइन घोनियां मोनियां, कोई सिंग शिंग कोनी है। तीन की लाट है दोस्तों, आपको तसल्ली से एक दफा चेक करवा दी है। बाकी इनका रेट लेते हैं नासिर भाई, ये लाट उसके है तो हिसाब किताब है तकरीबन सेम आप ये वाली लाट और दूसरी लाट इकट्ठी उठा लेते हैं तो फिर आप दोस्तों के लिए रेट में जो प्यार मोहब्बत हो सकती है वो यकीनन होगी। ये चेक कर लें, जेन्युइन घोनी मोनिया और ये दूसरी माशाल्लाह खूबसूरत प्रिंट। चलते हैं अगली खूबसूरत लाट। आज की वीडियो की तीसरी लाट, तीन दाने, तीन लाटें आपको दिखाई गई हैं। पहले नंबर की लाट में 4 दाने थे, दूसरी में 3 और ये जो आखिरी लाट है इसके अंदर आपको 2 दाने चेक करवाने हैं। जानवर चेक कर लें, माशाल्लाह बड़े स्ट्रक्चर के अंदर अच्छी मेहनत हुई पड़ी है इस बछड़ी के ऊपर और क्वालिटी जबरदस्त, क्योंकि जानवर जो है ना जी हैवी वेट के अंदर है और बॉडी ग्रिथ वाइज देखा जाए तो माशाल्लाह। ये चेक कर ले, आपको चला फिरा कर भी दिखाई जा रही है और उसके साथ फिर दूसरी ये ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन के अंदर सिर्फ 2 बछड़ियां हैं। जानवर स्ट्रांग है, पुट्ठा मजबूत है, बॉडी कंडीशन स्कोर वाइज देखा जाए तो एक, हाइट वाइज भी देखा जाए तो एक अच्छी क्वालिटी की ब्रीड है आपके सामने है। सिर्फ 2 बछड़ियों की मुख्तसर सी लाट है। अगर कोई भाई 4 नहीं उठा सकता, 3 नहीं उठा सकता तो उनके लिए भी पूरा बंदोबस्त किया हुआ है पढ़ा डेयरी फार्म पर। लोकेशन बड़ी सिंपल है, सालम इंटरचेंज से खुशाब लखमोर रोड के ऊपर आपने स्टाप है तसवराबाद, यहां पर आना है। ऑन द रोड आपको बोर्ड लगा हुआ नजर आ जाएगा, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि प्रहार डेयरी फार्म पर जाना है। मेन रोड से कोई 1 एकड़ का टोटल फासला है। ये चेक कर लें, थोड़ा सा चला फिरा कर, हाइट वाइज अच्छी है, पुट्ठा बैक साइड से स्ट्रांग है, पेल्विक एरिया भी आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का नजर आ रहा है, क्योंकि ये चीजें चेक करने वाली होती हैं, यहीं से जानवर की नस्ल जात का भी पता लगता है और उसकी जो दूसरी खसूसियात है वो भी क्लियर होकर सामने आती हैं। प्रहार साहब मुख्तसर सा काम करते हैं, चीजें अच्छी ढूंढ के लाते हैं ताकि जो दोस्त हैं उनका भी काम चलता रहे और रेट भी जो है वो भी मुनासिब होने चाहिए, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई है उस हिसाब से देखा जाए। ये गुल्ले चेक कर लें, माशाल्लाह 4 थान होंगे, कोई 7 बच्चा बच्ची नहीं होगा और ये एक बड़े स्ट्रक्चर के अंदर, बड़े साइज के अंदर एक क्वालिटी की चीज। नासिर भाई तीसरी लाट, आखिरी लाट, पहली 2 लाटों के रेट आपने बड़े जबरदस्त दिए हैं और जो आपने पैकेज दिया जी, अगर कोई दूसरी दोनों लाटें उठाएगा तो रेट वही बन जाएगा। सर इसकी क्या डिमांड है? सर इसकी डिमांड 1.5 है, ठीक है, लेकिन 1.45 है जो 1.45 लाख। जी नासिर भाई की ये खसूसियत है, मुख्तसर सी बात करते हैं और लेने देने वाली बात करते हैं। 1,45,000 रुपए के हिसाब से ये 2 बछड़ियां आप दोस्तों को मिल जाएंगी। जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को भी दबा दें। आप कहीं भी पाकिस्तान में हैं आपको कार्गो की सहूलत मिल जाएगी, जिस तरह ये आपको पीछे गाड़ी नजर आ रही है, ये माल माशाल्लाह जो अंदर खड़ा है ये चमन बॉर्डर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ से यूँ समझ लें 22-24 घंटे का सफर है, लेकिन इतनी दूर दूर तक कार्गो हो सकती है। अगर आप करीब हैं तो वहाँ पर भी जानवर पहुँचाए जा सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।